हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राजेश जाट और आज हम पढ़ रहे हैं मैथ्स की फोर्थ क्लास। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। उसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मैथ्स की मेरी ऑलरेडी 3 बेसिक क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने ये वीडियो देखना है और इस वीडियो को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप मेरे प्रीवियस 3 वीडियोस देखिएगा और उनकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद ही आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपसे क्वेश्चंस इजीली समझ में आएंगे। जैसा कि हमने कल की जो क्लास थी हमारी, उसमें अपन ने क्लास थ्री में हमने क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए थे। उसके पहले दोनों क्लास में मैंने आपको उसकी थ्योरी पढ़ा दी थी। तो क्लास थर्ड में मीन्स कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे और आज फिर से उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगा और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पढ़कर उसको अप्रोच करना है ये सारे मैं कल आपको सिखा चुका हूं। और आज के जो सेशन रहेगा इसमें भी हम आज बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। तो चलिए अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बट आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार हैं तो मेरे पुराने जो वीडियोज़ हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको मैथ्स नहीं आता है और अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़ आप मुझे फॉलो ज़रूर करें। आपका मैथ्स में 1 से 2 मंथ में आपका इतना लेवल में करवा दूंगा कि आपको खुद को इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार हाँ हम अब कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हर कोई भी चीज़ एकदम से आप कैच नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये भी अभी टफ लग रहा है तो आप सिर्फ इतना करिए कि अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए और उसको हर दिन रिवाइज करते जाएं। क्योंकि ये जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, एडवांस मैथ्स वाला पोर्शन है, ये पूरा डिपेंड है आपके प्रॉपर्टीज़ पर, कॉन्सेप्ट पर। अगर प्रॉपर्टीज़ आपको, रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर आपको याद हैं तब आपसे क्वेश्चन बनेंगे। अब इनको कैसे, आपको इनको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई अदर अल्टरनेट है ही नहीं कि आप कोई ट्रिक लगा के इसको सोल्व कर लेंगे। नहीं, अगर इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो आप इसको इजीली क्लिक कर लोगे कि हाँ यार इस क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टीज़ हमारे काम आ रही हैं और आपको उस प्रॉपर्टी को लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो ये जो एडवांस मैथ्स है पूरा प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, इसलिए मैं आपको बार बार इसी पर फोकस कर रहा हूँ कि आप प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान दें, प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, उसके गुण पढ़ें। मीन्स आपको उनको चीज़ें रटना पड़ेगी। अब आप चाहे उसको कैसे भी रटें, जितनी मेहनत करना हो करें, बट आप इन प्रॉपर्टीज़ को दिमाग में फिट करें रोम की तरह। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में रेखा AOB, देखिए यहाँ पर ये दोनों साइड एरोज है, मींस ये है रेखा। ठीक है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो लाइन होती है, रेखा होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं दोनों साइड एरो, मींस ये इन्फाइनाइट लेंथ शो करता है। तो AOB एक सरल रेखा है, ठीक है, जिस पर किरण OC खड़ी है। यहाँ पे देखिए ये AOB, ये क्या है, हमारी एक रेखा हो गई, ठीक है, ये एक लाइन हो गई जिस पर OC एक क्या, किरण खड़ी हुई है। यहाँ पर एक OC किरण खड़ी हुई है। इसको किरण क्यों बोला गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका ओरिजिन है, मतलब यहाँ का इसका प्रारंभिक बिंदु पता है और ये एक किरण है, इस मतलब ये जा रही है, इसकी ये कहाँ तक जा रही है ये हमें पता नहीं, बट उन्होंने इसको किरण बोला है। किरण की प्रॉपर्टीज क्या होती थी कि किरण उसको बोलते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु पता होता है बट अंतिम छोर हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो किरण है, उस पर खड़ी हुई है, AOB एक रेखा पर खड़ी है। यदि कोण AOC देखना, ये AOC, यदि कोण AOC बराबर आपको दिया है 3x-5°, मीन्स ये वाला एंगल जो है, और मैंने आपको कल बताया था कि जो बीच में जो होता है, जो वैल्यू होती है वही मेन कोण वहाँ पर बनता है। ठीक है, तो देखिए AOC में इस O पॉइंट पर ये वाला जो एंगल है ये कितना दे रखा है, 3x-5° दे रखा है, तथा कोण BOC यहाँ पर इस पॉइंट पर जो कोण है हमारा वो कितना दे रखा है, 2x+25। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि क्या आपको यहाँ पर रियल वैल्यू दे रखी है क्या एंगल की, नहीं दे रखी है, आपको यहाँ पर x में वैल्यू दे रखी है। मीन्स आपको ये अप्रोच लगाना है कि यार पहले हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे, फिर उस x के मान को यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद इसकी ओरिजिनल एंगल आएगा, हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार इसका ये वाला जो एंगल है ये इतना डिग्री का है और ये वाले पार्ट का इतना डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो देखिए अब उन्होंने क्या बोला, तो आगे उन्होंने बोला कि x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको x का मान निकालना है। तो देखिए ये इस डायग्राम को देखिए, आप पहले आप अच्छे से आराम से इसको देखिए और गौर करिए कि यार ऐसा कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ही पहले सोचना पड़ेगा। तो अब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि जब भी एक रेखा होती है उस रेखा पर
अगर कोई लाइन है तो एक रेखा पर अगर कोई किरण खड़ी हुई है तो उसके दोनों पार्ट मिलाकर जो उस रेखा पर पूरा एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये एक किरण है और ये एक किरण है, इसका मध्य बिंदु ये यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पूरा एंगल है ये कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आता है। कौन सी प्रॉपर्टी से? स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से। तो बस हमें यही करना है। यहाँ पर देखिए 3x माइनस 5 और 2x प्लस 25 को जब हम ऐड करके इनको इक्वल रख देंगे 180 के, तो यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपन सॉल्व करके देखते हैं, तो 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। आई ना बस समझ में? इन दोनों को मैंने ऐड क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बट यहाँ पर हमें मान क्या दे रखा है कोण का? इसका 3x माइनस 5 डिग्री, ये हो गया 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25, और ये जो एंगल है दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से? स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, 3x और 2x कितना हो गया? 5x हो गया। माइनस 5 प्लस 25 कितना हो गया? तो प्लस का 20 हो गया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। अब मैंने आपको कल पढ़ाया था कि हमें अगर x का मान फाइंड करना है तो x को एक तरफ रखना है और वैल्यू को एक तरफ ले जाना है, और जब भी इक्वल में कोई वैल्यू इंटरचेंज होती है अपनी जगह से तो क्या होता है? उसका साइन चेंज हो जाता है। मीन्स यहाँ पर अगर हमें x का मान निकालना है तो ये 5x तो यहीं रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 20 है, तो इस 20 को अगर उठा के मैं इस इक्वल के इधर ला रहा हूँ तो ये साइन कौन सा है? प्लस का है, है ना, इक्वल्स टू 180। तो ये प्लस वाली संख्या अगर इधर आएगी तो ये हो जाएगी माइनस की, ठीक है। और यहाँ पर 5x इज इक्वल्स टू अगर 180 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 160 डिग्री, है ना। और 160 डिग्री, अब यहाँ देखिए ये 5x है तो यहाँ पर x का मान कैसे आ जाएगा? ये 5x है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 160 अपॉन 5। तो जब आप इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 3 15 और बचा एक, तो 5 2 10 आया समझ में। 5 3 15 बचा एक, हासिल इसको दी यहाँ पर 10 5 2 10 मीन्स 32 डिग्री, ये आ गया आपका मान, x का मान आ गया 32। अब देखिए 32 आपको x का मान पूछा था, अब अगर इस x को मान को आप यहाँ पर रख देंगे तो आपका ये एंगल आ जाएगा, है ना। तो देखिए रख के देखते हैं अपन, तो 3x 3 इंटू 32 माइनस 5, ओके। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 3 2 6 3 9 3 3 9 माइनस 5, मीन्स ये कितना आएगा? अगर आपको 96 में से 5 माइनस करना है तो 91 आएगा। मीन्स ये वाला जो एंगल है आपका कितना डिग्री हो रहा है? यहाँ पर 91 डिग्री आपका एंगल निकलेगा। सिमिलरली आप यहाँ पर भी इसको सॉल्व करके देखें, इसकी जगह पुट करें 2 इंटू 32 प्लस 25, तो इसमें पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 प्लस 25, तो कितना होता है? 64 प्लस 25 कितना होता है? 89, ठीक है। तो ये 89 हो गया, मीन्स 4 5 9 और 6 4 2 8 हो गया, मीन्स ये वाला जो एंगल है कितना हो गया आपका? 89 डिग्री। अब देखिए इसको अपन प्रूव करके देखते हैं, ये 91 और ये 89, तो ये पूरा एंगल हो रहा है 180 डिग्री। ये 91 और 89 कितना होता है? 91 प्लस 89 इतना होता है 180 डिग्री। मीन्स हमने ये सीखा है कि इस लाइन पर पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है। आपको x में वहाँ पर वैल्यू दे रखी थी, आपको x का मान पूछा था इस क्वेश्चन में, हमने x भी निकाल लिया, उस x को यहाँ पर रख के हमने सोल्व किया तो इसके एंगल भी निकाल लिए, और जब हमने एंगल निकाल के देखा तो हमें ये भी प्रूफ हो गया कि हाँ यार ये पूरा जो है ये पूरा 180 डिग्री का होता है। कैसे? ये 91 डिग्री था और ये 89 डिग्री था। आई बात समझ में? तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है, बहुत ही सरल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है, यदि एंगल ए ओ सी बराबर एक्स डिग्री और एंगल सी ओ डी बराबर 50 डिग्री तथा एंगल बी ओ डी बराबर 2x माइनस 20 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात करें। मीन्स आपको यहाँ पर भी x का मान फाइंड करने को बोला गया है, ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए आपको डायग्राम भी दिया गया है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा और डायग्राम भी दिया जाएगा, बट कुछ
क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें सिर्फ आपको बोला जाएगा लैंग्वेज में और उसमें आपको डायग्राम बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल में अभी अपन इस पे फोकस करें कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे उसमें आपको डायग्राम जरूर मिलेगा, ठीक है। चाहे आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी एक से दो क्वेश्चन इसका 100% हर उसमें आता है, हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन एक ना एक बनता है। तो देखिए, अगर आपको इस डायग्राम में देखिए आपको जो चीज़ यहाँ बोली गई है वो यहाँ पर दी गई है। तो देखिए एंगल AOC कितना दे रखा है, X डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल दिख रहा है X डिग्री। एंगल CO D कहाँ पर है हमारा, CO D मीन्स ये वाला एंगल, ये कितना डिग्री दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है। तथा एंगल BOD 2X माइनस 20 डिग्री आपको दे रखा है, तो आपको X का मान ज्ञात करना है। तो सिमिलरली जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी का बेस्ड है। तो देखिए कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको कॉन्सेप्ट लगाना है और सोल्व करते जाना है। तो देखिए अब फिर से वही कॉन्सेप्ट लगना है आपको, ये दिख रही है यहाँ पर एक सरल रेखा है। पहले तो आप उस क्वेश्चन को देखें, समझे कि यार इसमें क्या निकालने को बोला गया है, इस क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, एक से दो बार रीड करें, फिर उस डायग्राम को देखें और उस डायग्राम को देखकर समझने की कोशिश करें कि क्या हमने जो पढ़ा है उस प्रॉपर्टीज में से कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से आप उसको अप्रोच कर पाएंगे। तो अब आप जानते हैं कि यार सर ने हमें पढ़ा रखा है कि एक सरल रेखा होती है, उस सरल रेखा पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। बट यहाँ तो हमें देखिए एक एंगल X दे दिया इतना, फिर इस पार्ट का भी एंगल दे दिया हमें 50 डिग्री और ये वाला भी एंगल दे दिया। मतलब यहाँ पर एग्जामिनर आपको तीन पार्ट कर दिए एंगल के, एक पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट में टुकड़ों में आपको एंगल्स दे दिए गए हैं, है ना। तो अब आपको ये सोचना है कि जब आप इन तीनों एंगल को जोड़ेंगे, देखिए अगर आपको इस एंगल को और इस एंगल को और अगर इस एंगल को जोड़ेंगे तो पूरी एक लाइन बन गई, मीन्स ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन पर पूरा एंगल कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का बनता है। तो बस यहाँ से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तुरंत आपके क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पर ये 180 डिग्री का बनता है, मीन्स इसको और इसको और इन तीनों को जब मैं ऐड करके इसके इक्वल रख दूंगा 180 डिग्री के, और वहाँ से मैं एक्स का मान निकालूंगा तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए एक्स, ठीक है, ए वाला एंगल प्लस 50, ठीक है, प्लस ये वाला एंगल प्लस 2x माइनस 20 डिग्री, बराबर ये तीनों किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के, ठीक है। कहाँ से, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये x और ये 2x कितना हो गया, 3x, 50 माइनस 20 कितना होता है, 50 और 20 प्लस का 30, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस का साइन आएगा, क्योंकि प्लस बड़ी संख्या है प्लस की और जो माइनस की संख्या है वो छोटी है। तो आप ध्यान रखना मैथ्स में, जब भी आप कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट करते हैं मतलब घटा रहे हैं, तो जो साइन होता है वो हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। अगर बड़ी वैल्यू माइनस की है तो आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा उसके आगे, ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आगे और मैं आपको बताऊंगा, तो आप सीखते जाइए, जो जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। अब 3x प्लस 30 हो गया, इधर से 180, है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर से हमें क्या निकालना, x का मान निकालने को बोला गया है। तो 3x बराबर, अगर मैं इस वैल्यू को इधर ले आऊँ, x को एक तरफ रहने दूँ और इसको प्लस वाली चीज़ को इस इक्वल के इधर ले आऊँगा, तो 180 में से माइनस का हो जाएगा, 180 में से ये माइनस प्लस का था तो ये इधर आके माइनस में हो गया, ठीक है। अब 3x बराबर 150 में से, सॉरी 180 में से अगर 30 में माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, 150 बचता है ना। अब 150 यहाँ पर 3x = 1, तो यहाँ से हमें x का मान निकालना, तो ये x एज इट इज यहाँ पर रहेगा, 150 इसके अपोन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जब इक्वल में वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में है तो वो उसके आगे वाली वैल्यू जो होती है वो उसके अपोन में आ जाती है। अगर यहाँ पर कोई और संख्या प्लस में होती है तो फिर वो इधर आके माइनस में हो जाती है, अगर यहाँ पर माइनस होती तो ये संख्या प्लस में हो जाती, बट यहाँ कोई भी संख्या नहीं होती, अगर इक्वल में मल्टीप्लिकेशन की कोई वैल्यू होती है तो एक्स वहीं रह जाता है और उसके साथ वाली जो वैल्यूज होती मल्टी, जो उसका मल्टीप्लाई होता है वो उसके अपोन में आ जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 50 आ जाएगा, और यही हमसे क्या हुआ था, पूछा था। अब हम इसको प्रूव भी करके देख लेते हैं कि क्या x का मान इन सभी में रखेंगे तो क्या ये हमारा 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मैं ऐसे ही हवा में बात कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए इसको यहाँ पर हम रखते हैं, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पर रखिए x की जगह, तो आप x की जगह अगर आप 50 डिग्री रखोगे तो ये 50 हो गया, प्लस ये ऑलरेडी आपको 50 दे रखा है ये वाला एंगल, ठीक है। देन यहाँ पर x की जगह फिर से 50 रखना पड़ेगा, तो देखिए मैं डायरेक्ट रहा हूं, इस 50 x की जगह मैंने 50 रखा और 50 के साथ 2 भी है, तो इन दो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो गया, 50 और 200, 100 में से 20 गया तो कितना बचा,
100 में से 20 गया तो 80 बचा, ठीक है। तो कितना हो गया 50, 50 कितना होता 100, और 100 और 80 तो 180, तो ये प्रूफ भी हो गया कि हाँ इस पूरी लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता, 80 डिग्री। तो हमें पूछा यहीं तक था, बट हमने ये भी प्रूफ कर दिया। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि बताइए इस वाले एंगल, ये वाला ओरिजिनल एंगल कितना है। तो आपको क्या करना है कि टू यहाँ पर x का मान रखेंगे तो यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, 100 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो आप बता देंगे कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 80 डिग्री है। आई बात समझ में? तो ये इस तरीके से आपको अप्रोच करके इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है, यदि ए माइनस बी 80 डिग्री हो तो ए का मान ज्ञात करें। देखें ध्यान से सुनना, ए ओ बी आपको क्या दे रखी है, एक सरल रेखा दी गई है, उस पर ओ सी जो है आपकी किरण को खड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया है कि एंगल ए और एंगल बी इनका जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 80 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या है कि ए का मान ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है, ठीक से फिर से वही सारी चीज़ें हैं। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, जब ये पूरा एंगल एड होता है, हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको क्या दे दिया इस क्वेश्चन में कि इन दोनों का डिफरेंस दे दिया है, आपको गिवन क्या है, ए माइनस बी बराबर 80 डिग्री आपको दे रखा है। बट आप क्या जानते क्या हैं, आप ये जानते हैं कि ए प्लस बी का जो मान है, ए प्लस बी का जो मान है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, या इसे हम रिजु कोण भी कहते हैं, रिजु कोण, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से क्या हमने ये बोला कि ए प्लस बी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपसे ए का मान फाइंड करने का बोला गया है। तो ये आपके पास मान लो ये एक इक्वेशन हो गई और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब आपको ए का मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखिए आप इसमें ए का मान निकालने की क्या करेंगे कि इसको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे आप इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखिए ये बी और ये बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से कितना हुआ, 2a बचा, ठीक है, 2a, और ये 180 और ये कितना हो गया, 80 डिग्री। तो कितना होता है, 180 और 80 कितना होता है, 260 होता है, ठीक है। मीन्स जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो माइनस का भी और प्लस का भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से बचा क्या, 1a ये बचा और 1a ये बचा, तो कितना हो जाएगा, 2a, और ये 180 में से इसको 80 को जोड़ देंगे, मींस ये कितना हो जाएगा, 260, ठीक है। अब यहाँ से फिर से वही वाली चीज़ है कि जब इक्वल में कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती तो अपॉन में आ जाती, तो यहाँ से a का मान कैसे निकल जाएगा, a यहीं रह जाएगा और 260 किसके नीचे चला जाएगा, 260 के अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा a का मान है वो कितना आ जाएगा, 130 डिग्री, ठीक है। और यही हमसे क्या पूछा था। अब इसको अपन अगर चेक करें, क्रॉस करें, तो देखिए अब आपके पास यहाँ पर ये वाला जो मान है ये कितना है, 130 डिग्री। अगर आपको ये मान 130 डिग्री पता चल गया है तो आप अब अपने दिमाग से ये नहीं लगा सकते कि ये अगर 130 डिग्री है तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिक कितना होगा, 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा, किस प्रॉपर्टी से, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से। और अगर आपको ये भी नहीं करना है और अच्छे से प्रूव करके देखना है तो इस ए की वैल्यू को इस इक्वेशन में लेके देखिए, रख के देखिए, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, तो बी की वैल्यू कितनी आना चाहिए, 50 डिग्री आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसको ए का मान यहाँ पर इस वाली इक्वेशन फर्स्ट में रख के देखता हूँ, तो एक ए की जगह कितना रख दिया मैंने, ए की जगह अगर मैंने 130 डिग्री रख दिया, ठीक है, तो 130 माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा, 80 डिग्री। अब मुझे बी का मान निकालना है, मुझे मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखिए हमें बी ये माइनस का है, तो मैंने बोला था कि संख्या एक तरफ और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है मीन्स एक्स वाई जेड इन सभी को एक तरफ रख लेते हैं, है ना। तो इस बी को इस इक्वल के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, इधर आकर बी जो है प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जब इधर आया तो क्या हो जाएगा, 130 में से जब 80 जाएंगे, 130 में से जब 80 को मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, ये बचेगा 50। और यही क्या था, हमें फाइंड करना था। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 50 हमने ऐसे ही निकाल दिया था क्योंकि हमें ये वाला एंगल पता चल गया था। देन आपको ये इसमें रख के भी देखेंगे तो कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट। तो ये देखिए क्वेश्चंस आपको बहुत
तरह से मिलेंगे, बहुत टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी ना, तो आप किसी भी टाइप से घुमा फिरा के अगर वो क्वेश्चन देगा, आपसे क्वेश्चन इजीली बनेगा। अब बहुत सारे से बोल रहे होंगे कि सर क्या इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह होती है, तो जी नहीं, इन क्वेश्चन को करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। ये जो क्वेश्चन हैं ये सारे प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक आप जब भी अर्थमेटिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक या जो भी एक हम बोल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक, तो क्या वहाँ पर कि जो एक लॉन्ग प्रोसेस का ही एक शॉर्ट ट्रिक बना दिया गया है, ठीक है, जो कि वहाँ पर अप्लाई करके आप क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके अच्छे से कमांड है मैथ्स पर। बट यहाँ पर अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कमांड है तो आपको उसको पूरी प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप करके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इतना टाइम इसलिए लगता है ताकि मैं आपको धीरे धीरे से बड़े प्यार से समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि आपको इन सारी चीज़ों से बहुत फेस करना पड़ेगी कि जब भी आपके साथ इक्वल का साइन होता है तो साइन चेंज क्यों होते हैं, ठीक है। अभी मैंने रियलाइज़ किया है ऑफलाइन क्लासेस में कि बच्चों को यही नहीं पता है कि जब भी इक्वल में कोई वैल्यूज़ अल्टरनेट अपनी चेंज अपनी जगह एक्सचेंज करती हैं, इंटरचेंज होती हैं, तो वहाँ पर साइन चेंजेस होते हैं, बट बच्चों को यही नहीं पता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं कि अगर इक्वल में यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन में है, अगर वो इक्वल के इधर आती है तो वो अपोन में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके ये चीज़ें भी सीखने को मिलेगी और अच्छे से इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे जैसे कैलकुलेशन वगैरह हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि तीन सरल रेखाएं ए बी सी डी एंड ई एफ इस प्रकार काटती हैं जैसा चित्र में दिखाया गया है तो एक्स का मान ज्ञात करें। देखिए ये आपको डायग्राम दिया गया है ना, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये मैं आपको आर एस अग्रवाल से करवा रहा हूँ। अगर आप आर एस अग्रवाल को प्रीफर करते हैं तो आप आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन सॉल्व करें, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन बुक में भी मिल जाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए डायग्राम दिया गया है, डायग्राम में आपको बताया गया है कि इस तरीके से काट रही है जिस तरीके से डायग्राम में दिया गया है, तो बताइए एक्स का मान क्या होगा आपसे पूछा है। तो देखिए फिर से वही चीज़ें आपको प्रॉपर्टीज़ देखना पड़ेगी, और मैंने आपको याद है तो इस तरीके से एक प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि जब भी दो या दो से अधिक रेखाएँ है ना, दो या दो से अधिक रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु, और जो रेखाएं काटती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं, कॉन्करेंट लाइन, ठीक है। और वहां पर कुछ कोण बनते हैं, कुछ कोणों का पेयर बनता है जो कि क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने के कोणों का पेयर क्या होता है, बराबर होता है, किस प्रॉपर्टी से, शीर्षाभिमुख प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर देखिए वही वाला रूल्स हमारा फॉलो होगा। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर तीन जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को इस बिंदु ओ पर काट रही हैं, उसमें से आपको 2x और 3x ये वाला एंगल आपको दिए गए हैं और आपसे x का मान पूछा है। तो देखिए आपको ये पता है कि यहाँ पर जो कोण बनेंगे वो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, किस प्रॉपर्टी से, शीर्षाभिमुख प्रॉपर्टी से। तो देखिए ये वाला कोण, इसको देखते हैं सबसे पहले अपन, ये है 5x, ये 5x है, तो इस पॉइंट के ये इसके सामने वाला कोण, ये वाला कोण भी क्या होगा, 5x ही होगा, ठीक है, किस प्रॉपर्टी से, शीर्षाभिमुख प्रॉपर्टी से। अगर आपको ये 3x दे रखा है तो इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा, ये वाला कोण होगा, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। तो अब बचा कौन सा, ये वाला आपको एंगल दिया हुआ है डायग्राम में 2x, तो ये वाला कोण, ठीक है। अब इस वाले कोण के सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला कोण, तो ये कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, किस प्रॉपर्टी से, शीर्षाभिमुख कोण प्रॉपर्टी से। मींस हमने अभी तक सारे कोण्स प्रॉपर्टीज लगाकर पूरे कर लिए हैं, ठीक है। अब आप बताओ ये तीन रेखा थी, इन्होंने एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, तो सारे एंगल्स आपको पता चल गए, हाँ बोलेंगे यस सर, कि हमें ये भी एंगल पता है 5x है, ये 3x है, ये 2x है, ये 5x है, फिर ये 3x आ गया, फिर ये 2x आ गया। अब ये मत पूछना कि सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया, अगर ये 2x था तो ये 2x यहाँ क्यों लिखा। मैंने आपको बताया था अच्छे से कि आमने सामने के कोण बराबर होते, तो यार देखो इतना कॉमन सेंस आपने होना चाहिए कि इस कोण के सामने वाला कोण कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। अगर मान लो मैं कोई दो रेखा ऐसे प्रतिच्छेद होगी तो इसके सामने कोण यही तो दिखेगा आपको, क्या कि इसके सामने वाला ये कोण लगा दोगे आप, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप आमने सामने के कोण को पहचाने, ठीक है, और इस कोण के सामने वाला कोण क्या होता है, ये वाला कोण होता है, और ये चारों कोणों का जो पेयर होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मीन्स ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर होगा। तो यही तो प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको ये सारे कोण
पता चल गया है। तो देखिए आप यहाँ से कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक आपको ऐसे पूरा क्या हो गया, ये एंगल्स का क्या बन गया आपका, यहाँ पर एक सर्कल बन गया, बना कैसे, इनको जब हम पूरा सबको मिलाएंगे तो एक सर्कल बनाया इन्होंने, ये वाला फिर ये वाला एंगल फिर ये वाला एंगल फिर ये वाला फिर ये वाला, तो ऐसे करके पूरा एक सर्कल इन्होंने ड्रॉ कर दिया इन सारे एंगल्स में। तो अब आपको ये मालूम है कि इन सर्कल्स पर जब हम पूरा घूमते हैं रोटेट होते हैं तो उनका जो एंगल्स बनते हैं उस सर्कल पर कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। बस आपको वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगाना कि जब आप इन सभी एंगल्स को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये एक सर्कल का फॉर्म कर रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। और आप जानते हैं कि एक सर्कल बनता है तो पूरा जो एक पॉइंट पर एक सर्कल बनता है तो वहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। जिस तरीके से इस लाइन पर हाफ रोटेट जब होते हैं तो ये जितने भी एंगल होते हैं ये किसके बराबर होता है, 180 डिग्री का। सिमिलरली अगर ये भी हाफ रोटेट हो जाए तो ये भी 180 डिग्री का, तो 100 और 180 कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। बस आपको जिस तरीके से यहाँ आप जैसे ये एंगल दे रखा था ए और ये बी, तो इस ए और बी को जब आप जोड़ते थे तो ये 180 डिग्री के बराबर रखते थे। किस प्रॉपर्टी से, आप जानते थे कि सर ये वाला पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, तो जब मैं इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को जोड़ूंगा तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। सिमिलरली आप जब इन सभी एंगल को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इस 360 के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से, ये वाली जो हमारी 360, मैंने आपको रिफ्लेक्स एंगल बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वहाँ पर हम 360 में से माइनस करते थे, वो बहुत अच्छे से समझाया था। तब मैंने आपको बताया था कि जब वो एक पूरा सर्कल घूमता है तो वहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये सारे कोण जब जोड़ूंगा तो इन सारे कोणों को इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है 360 के बराबर ही तो होगा, बट यहाँ पर हमें ओरिजिनल वैल्यू थोड़ी दे रखी है, यहाँ पर तो हमें एक्स में ले और एक्स का मानी तो हमें पूछा गया है। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आप क्या करें, इन सभी को जोड़ दें, 2x + 3x + 5x + 2x + 3x, ठीक है, प्लस फिर ये 5x, और आप जानते हैं कि ये सारे एंगल्स जो होते हैं इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर। बस अब आपको यहाँ से x का मान निकल जाएगा, इन सबको ऐड कर दो, x x हैं तो 3 और 2 5 5 और 5 10 10 12 12 और 3 15 15 और 5 20, मीन्स ये कितना हो गया, 20x और ये 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से फिर से x का मान निकालना है, तो ये x का मान और ये जो है 20, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो x = 360/20, ये कट गया इससे इससे, तो कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया कि नहीं आया, ये 6 है, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, 18 डिग्री। अब जब इस x की जगह, ये x का मान ही आपसे पूछा था, अब जब इस पूरे x की वैल्यू को जब आप इन सभी की जगह रखोगे और जब इनको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा। जोड़ लीजिए आप इसमें, यहाँ पर रख के आप देख लीजिएगा, पूरा 360 डिग्री ही इसका वैल्यू आएगा। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा आप, ठीक है। और भी मैं नेक्स्ट सेशन में और इससे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, तो इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही, और बहुत ही बेसिक से मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो इस लेक्चर में और इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब मैं एक क्लास और लूँगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस करवा दूँगा, उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो हम ज्योमेट्री के अंदर सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में पढ़ें, बुक से पढ़ें, नेट से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ें आप पढ़ के जरूर आएँ, क्योंकि जब आप खुद पढ़ते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। मैं भी पढ़ाऊँगा आपको, बट फिर भी आप अपने लेवल पर भी पढ़ने का प्रयास जरूर करें, हम आपको लेके चल ही रहे हैं। बस आपको भी थोड़ी सी हमारे साथ मेहनत करना है, यकीन मानिए आपका मैथ्स में बहुत अच्छा करवा दूंगा। साथ ही साथ आप बहुत जल्द आपको साइंस के भी बहुत सारे वीडियोज़ लेक्चर देखने को मिलेंगे, और उसके साथ ही आपको रीजनिंग भी कम्प्लीट मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको यही बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है। और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसे ही भाई लोगों का थोड़ा सा और हेल्प हो जाएगी। और मैं आपको बहुत ही बेसिक से लेकर मैथ से लेकर चल रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।